अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले फ्रेंड। मैं आज आपको एक ऐसी वेबसाइट के मतलब बताने वाला हूँ जिससे फ्रेंड फ्री में ही आप शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, और फ्रेंड बहुत ही अच्छे शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। फ्रेंड अगर कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैं बता रहा था कि आपको यानी मैट्रिक कर चुके हैं, तो फ्रेंड जो कुछ भी आपके पास टाइम है तो फ्रेंड आप उसमें शॉर्ट कोर्सेज में एक्सपेंड कर सकते हैं। खास तौर पर फ्रेंड ये मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा और कमाल का मौका है अपने स्किल्स को डिवेलप करने का। ओके फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस वेबसाइट के आपको फ़वाद के मतलब बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड यहाँ पर ये हुकूमत पाकिस्तान से वेरीफाइड है, और फ्रेंड यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं ये तमाम के तमाम कोर्सेज अगर फ्रेंड आप लोकल मार्केट से करते हैं तो फ्रेंड वहाँ पर आपको पे करने पड़े तकरीबन 30 से 40,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। और फ्रेंड इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और फ्रेंड मैं इसके अंदर मैं बताऊँगा किस तरीके से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और फ्रेंड इसके अलावा ये भी बताऊँगा किस तरीके से आप अपने कोर्सेज को चॉइस कर सकते हैं, यानी कि आप किस किस कोर्स को कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चॉइस करेंगे। फ्रेंड वो तमाम के तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फ्रेंड इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और सबसे एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर जितने भी कोर्सेज हैं वो सब की सब फ्री हैं, आपको कोई पैसा नहीं देने पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी पैसा नहीं देने पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री हैं। और फ्रेंड यहाँ पर आप बहुत सारे कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी टीचर्स मौजूद हैं काफ़ी प्रोफेशनल टीचर्स हैं। फ्रेंड ऐसा नहीं कि आपको कोई भी नॉर्मल सा बंदा आए और सिखाना शुरू कर दे, प्रोफेशनल टीचर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है तो डेफिनेटली प्रोफेशनल चीज़ तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और फ्रेंड यहाँ पर आप बहुत सारी शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, तकरीबन 10 के करीब यहाँ पर शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं ई कॉमर्स मैनेजमेंट है, SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ऑटोकैड है, इस पर कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप इन्हें फ्री में ले सकते हैं, कोई आपको पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। और फ्रेंड एक और भी बात आपको बताता चलूं कि 1 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हैं, और फ्रेंड इसलिए मैं ये वीडियो तकरीबन 11 दिन पहले बना रहा हूं ताकि आप इस टाइम पीरियड के अंदर सुकून से रजिस्टर कर सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड मैं अब आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप साइन अप कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अप का बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। और फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। मोमिन इकबाल, और इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर मैं अपनी जो है ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और फ्रेंड यहाँ पर तवज्जो देने की बात यह है कि यहाँ पर तो एक तो पासवर्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, तो फ्रेंड कौन सी ये बंदा ये वाला पासवर्ड याद रख पाएगा, तो फ्रेंड आपको इसको रखने की कोई भी जरूरत नहीं, आप कुछ भी अपनी तरफ से डाल सकते हैं, वैसे चाहें तो आप ये भी डाल सकते हैं, वरना इसके अलावा फ्रेंड आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। और फ्रेंड आप ये याद रखिएगा अपने जीमेल का पासवर्ड यहाँ पर बिल्कुल मत डाल दीजिएगा, ठीक है? तो जीमेल से हटके कोई भी आप पासवर्ड डाल सकते हैं। ये जो ईमेल एड्रेस इसने मांगा ये सिर्फ और सिर्फ वेरीफिकेशन के लिए है, कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं यहाँ पर आप, मैं कुछ भी उठा कर डाल देता हूँ। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दिया है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर पासवर्ड टाइप करने के बाद मुझे कह रहा है कि भाई आपके अल्फ़ाबेट्स मौजूद नहीं हैं, तो ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं अल्फ़ाबेट्स भी मिक्स कर लेता हूँ, एक और पासवर्ड यहाँ पर बना कर डाल देता हूँ। और फ्रेंड इसके बाद आपने क्लिक करना है आई एम अ नॉट रोबोट, और यहाँ पर ये पहली बार में मेरा क्लिक हो गया, ठीक है? तो कोई मसला नहीं, अगर आपके पास एक वेरिफिकेशन पेज सा आ जाए तो आप देख लीजिएगा, कार होगी या बस होगी उसे क्लिक करके आपको वेरीफाई करना होगा, तो आप सुकून से कर लीजिएगा, वो कोई मसले की बात नहीं है। फिर उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये कुछ लोड करेगा और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस ज़ाहिर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन आपका ओके जी अकाउंट बन चुका है, ठीक है? अब कह रहा है कि आपका जो एक्टिवेशन लिंक है वो आपके जीमेल पर सेंड किया गया है, तो फ्रेंड मैं अपने जीमेल पर चलता हूँ। मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ। मुझे ये जो लिंक है वो रिसीव हो गया है, और फ्रेंड यहाँ पर मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो फ्रेंड मुझे रीडायरेक्ट कर देगा अपनी ये साइट पर। ओके जी, ठीक है भाई, उसने वेरीफाई भी कर लिया भाई, ये वही बंदा है जिस बंदे का ये अकाउंट है, तो मैं यहाँ से अब साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करता हूँ फ्रेंड, वही वाला जो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल डाला था, मैं वही वाला दोबारा फिर से डाल देता हूँ लॉगिन करने के लिए।
ओके फ्रेंड, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड ये प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपकी जो आईडी है वो यहाँ पर लॉगिन होकर आ जाएगी। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर इसने मेरा पहला और लास्ट नेम तो डिटेक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मिडल नेम भी पूछ रहा है, तो मैं कुछ भी उठा के डाल देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर शाहीन टाइप कर देता हूँ। ओके फ्रेंड, तो मैंने मिडल नेम शाहीन डाल दिया, चलो कोई मसला नहीं है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर फ्रेंड अब मैं मेल हूँ, तो मेल डेफिनेटली मैं जेंडर अपना मेल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से फ्रेंड मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, ठीक है जी। मेरी उम्र ज़्यादा भी नहीं है, बस ऐसे छोटा सा, ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, थोड़ी सी उम्र है, और बस थोड़ी सी उम्र है मेरी, ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर अब मैं अपना CNAC नंबर डालता हूँ, ठीक है। अगर फ्रेंड आपका CNAC नंबर नहीं है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, आप उनका CNAC डाल सकते हैं। तो अगर आपका CNAC मौजूद है तो इसमें तो कोई मसला भी नहीं है, तो और भी इंटरेस्टिंग बात है, आप लगा दें अपना CNAC नंबर। तो मैं ज़रा अपना CNAC नंबर पुट कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने अपना CNAC नंबर डाल दिया है, और फ्रेंड यहाँ से मैं अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्री, जो कि पहले से सिलेक्ट है पाकिस्तान। सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड, मैं रहता हूँ मुल्तान के अंदर, तो मैं यहाँ पर मुल्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फ्रेंड इसके बाद मेलिंग एड्रेस। ओके फ्रेंड, यहाँ पर मेलिंग एड्रेस के अंदर आपने अपने घर का पता डालना है, वो वाला पता डालना है जहाँ पर आपको, जिस पते के ज़रिए से आपको आपके खत यानी कि आपकी डाक रिसीव होती है, आपने वो वाला पता डालना है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं अपने घर का एड्रेस डाल देता हूँ। ओके तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस डाल दिया, और फ्रेंड यहाँ से अब क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपना जो फ़ोन नंबर है उसका एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी यहाँ पर टाइप करूँगा। वहाँ पर फ्रेंड वो जो होते हैं ना 0300 0301 0306, फ्रेंड वो एक कोड होता है, उसकी सिम का पहचान होती है। तो फ्रेंड मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा नंबर यहाँ शुरू होता है 0316 से। उसके बाद फ्रेंड मैं अपना आगे नंबर टाइप कर देता हूँ, मुझसे पूछ रहा है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल दिया, और उसके बाद फ्रेंड मेरा ईमेल उसने पहले से डिटेक्ट कर लिया है। और उसके बाद फ्रेंड पूछ रहा है कि आपके पास पर्सनल लैपटॉप है या PC है या नहीं है। तो फ्रेंड मेरे पास मौजूद है अपना पर्सनल PC, और फ्रेंड एक और बात भी बता दूँ कि मैंने साथ में उसका कोड भी टाइप कर दिया था, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, जिसका वो एरर मुझे दिखा रहा है, अब एरर ख़त्म हो गया है। और फ्रेंड यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो फ्रेंड क्या है कि DSL केबल इंटरनेट, वाईफाई मैक्स, ईवो, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि आपका इंटरनेट किस चीज़ से, आप कनेक्टिविटी ली हुई आपने। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा जो इंटरनेट है, फिलहाल मैं नन पर क्लिक कर दूँगा, क्योंकि जो मेरा इंटरनेट है वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मैंने लिया हुआ है। तो फ्रेंड फिलहाल मेरे पास तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और फ्रेंड यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के मतलब पूछा है, तो फ्रेंड मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मैट्रिक, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आगे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं एक स्टूडेंट हूँ, और इसके अलावा जो फ्यूचर प्लान है वो ऑन अ बिजनेस, ठीक है, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड वो पूछ रहा है हाउ डिड यू नाउ अबाउट अस, और फ्रेंड यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपको इस तमाम डिटेल का पता कहाँ से चला, क्या आपको किसी ने ईमेल किया, क्या आपको रेडियो पर मालूम हुआ, क्या आपके दोस्त ने बताया, या फिर आपने ब्लॉग पोस्ट पढ़ी, या TV चैनल पर, इवेंट, SMS, कहीं पर भी आपने इसके मुतलिक यानी कि आपको मालूम हुआ, तो आप फ्रेंड यहाँ पर टिक कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मुझे जो मालूम हुआ है वो, और फ्रेंड जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं करी, तो मैं यहाँ पर अदर पर क्लिक कर देता हूँ। आप चाहें तो कुछ कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, सोशल मीडिया या फ्रेंड्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड वो कह रहा है आर यू फैमिलियर विद फ्रीलैंसिंग, और फ्रेंड यहाँ पर वो कह रहा है कि क्या आप फ्रीलैंसिंग के मुतलिक कुछ जानते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड सीधी सी बात है, मुझे हकीकत है नहीं है, मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। फ्रेंड यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड वो तमाम का तमाम फॉर्म वेरीफाई कर लेगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी प्रोफाइल बन चुकी है, अपडेट हो चुकी है। ओके जी, ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर ये तमाम के तमाम वेरिफिकेशन करने के बाद फ्रेंड अब आपने सेलेक्ट करने हैं अपने कोर्स वगैरह। फ्रेंड वो सिलेक्ट करना बिल्कुल आसान है। फ्रेंड यहाँ पर आपको आना है होम के ऊपर। फ्रेंड यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फ्रेंड एक और बात भी आपको क्लियर करता चलूँ कि फ्रेंड यहाँ पर आप जैसे ही इंटर होंगे, तो फ्रेंड वो जो आपने फ़ोन नंबर दिया था ना, उसके ज़रिए से वेरिफिकेशन मांगेगा। आपने अपना जो भी फ़ोन नंबर देना है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, या फिर पहले से डल चुका होगा, आपने वेरीफाई कर लेना है, कोड आएगा अपने फ़ोन के ऊपर, उसे लगा लेना, ये वेरीफाई हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर आपने क्लिक करना है एनरोल नाउ। अब यहाँ से फ्रेंड आपने क्या करना है, अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं, जितने मैंने आपको पहले बताया था वो तकरीबन 10 कोर्सेज हैं जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फ्रेंड यहाँ से मैं अपने कोर्सेज चॉइस कर लेता हूँ। फ्रेंड मैं SEO में इंटरेस्टेड हूँ, और फ्रेंड इसके बाद मैं इंटरेस्टेड हूँ फ्रीलैंसिंग के अंदर। और फ्रेंड उसके बाद आपने यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर देना है एनरोल कोर्सेज पर। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर
यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने और आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल हो चुका है। और फ्रेंड अब क्या है कि इसके बाद जैसे ही इनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 अप्रैल को, उसके बाद फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप कोर्सेज आ गए हैं, आप प्लीज़ इन्हें देखें और फ्रेंड इनसे फ़ायदा उठाएं और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। ओके फ्रेंड, तो एक और बात आपको क्लियर करता चलूँगी फ्रेंड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा कोर्स आप बिल्कुल सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैंने एक तीसरा कोर्स भी सिलेक्ट किया है। तो जैसे ही फ्रेंड मैं यहाँ पर एनरोल करने की कोशिश करता हूँ तो फ्रेंड यहाँ पर मुझे वो मैसेज शो करा देता है, सॉरी यू कैन नॉट एनरोल मोर देन 2 कोर्सेज और ड्रॉप सम कोर्सेज फर्स्ट। फ्रेंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप 2 कोर्सेज को एट ए टाइम ले सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं फ्रेंड, जो कि मैंने ले लिए हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोर्सेज में हिस्सा ले सकते हैं। और फ्रेंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो, पसंद आई जरूर उसे लाइक करें, दोस्तों लाजमी शेयर करें। इसके अलावा चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।